तमाम अटकलों पर विराम लग गया है। उत्तर प्रदेश की कमान योगी आदित्यनाथ, जो कि पहले अजय सिंह थे, उत्तराखंड की उनकी पैदाइश है, और वो नाम जिस पर उत्तर प्रदेश के चुनाव शुरू होने से पहले ही लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि क्या उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा बनाकर प्रोजेक्ट किया जाएगा। तमाम किंतु परंतुओं के बीच भारतीय जनता पार्टी ने किसी को भी मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाया। लेकिन आज वेंकैया नायडू जब केंद्र से भारतीय जनता पार्टी के पर्यवेक्षक बनकर आए और विधायक दल की बैठक हुई, उसके बाद ANI ने सबसे पहले ये सूचना दी थी कि योगी आदित्यनाथ को चुन लिया गया है, लेकिन औपचारिक घोषणा बाकी है। वो इसलिए कि उसके तुरंत बाद हमने जब ANI के फुटेज देखे तो हमें समझ में आ रहा था कि योगी आदित्यनाथ को लगातार फूलमालाओं से लाद दिया गया है। उन्हीं के बगल जनता पार्टी ने, उनके शीर्ष नेतृत्व ने जो करिश्माई जीत, जो प्रचंड बहुमत 325 सीटों के साथ हासिल किया है, उस पर सवार होकर उन्होंने अपने एजेंडा को एक नया रूप देने की कोशिश की है। कुछ लोग चौंके जरूर हैं, ये एक दुस्साहस भरा निर्णय भी हो सकता है, लेकिन क्या योगी आदित्यनाथ उस उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल पाएंगे जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने लगातार कहा है कि हम यहां पर विकास के नाम पर चुनाव लड़े हैं, हमने तमाम समीकरण बदले हैं। वहां पर योगी आदित्यनाथ का मुख्यमंत्री बनना एक बड़ा संदेश देता है। हालांकि अमित शाह को और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को इस बात का एहसास है कि योगी आदित्यनाथ की छवि कट्टर हिंदुत्व वाली छवि है। बीच में जब उपचुनाव हुए थे तो ये भी ध्यान देने योग्य बात है कि उन उपचुनावों में योगी आदित्यनाथ को जब कमान सौंपी गई थी तो 11 में से 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। तब उन्होंने लव जिहाद के नारे पर उस चुनाव को लड़ा था और तब ये माना गया था कि उनके द्वारा आगे बढ़ाए गए कट्टर हिंदुत्व को जनता ने नकार दिया है। लेकिन अब जब 325 सीटों का बहुमत हासिल है तो योगी आदित्यनाथ को आगे जरूर किया गया है, लेकिन बहुत संभल कर, क्योंकि उनके अगल बगल में केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा जैसे दो नाम आगे किए गए हैं, जिससे उस पिछड़े वर्ग को साध कर रखा जा सके जिसके वोट उन्हें हासिल हुए हैं, और उन ब्राह्मणों को भी साध कर रखा जा सके जिनको वो अपनी पार्टी का अहम हिस्सा मानते हैं। तो कुल मिलाकर योगी आदित्यनाथ निरंकुश न हो जाएं या उनकी कट्टर हिंदुत्व वाली जो छवि है उससे भाजपा की, उत्तर प्रदेश की सरकार को नुकसान न हो, इसको ध्यान में रखकर तीन नाम आगे किए गए हैं। उनके मुखिया योगी आदित्यनाथ होंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश के साथ ही उनका ध्यान 2019 की उन वापस 80 सीटों पर भी है जो उनको लोकसभा में फिर से बड़ा आंकड़ा दिलाने में मदद करेंगी। तो आज की सबसे बड़ी घटना, सबसे बड़ी खबर यही है कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे और उनके साथ दो उप मुख्यमंत्री होंगे, केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा। रविवार को 2:15 बजे उत्तर प्रदेश में शपथ समारोह होगा लखनऊ में, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद शामिल होंगे और साथ ही भारतीय जनता पार्टी के और NDA के अन्य मुख्यमंत्रियों को भी न्योता दिया गया है। वेब दुनिया की ओर से हमारी कोशिश यह है कि डिजिटल के जो अन्य माध्यम है वहां पर भी आप तक समाचार और खबरें वेब दुनिया द्वारा पहुंचाई जाती रहे। धन्यवाद।